हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। तो वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना मिड रेंजर फोन वीवो Y58 5G के नाम से। इसकी प्राइस रखी गई है 19,500 और इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। इस फोन को मैं कुछ 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो आज मैं इसका एक इंडेप्थ रिव्यू करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा इसका डिजाइन, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा इस फोन में इतना पैसा डालना वर्थ है नहीं, या फिर कौन से बेटर फोन्स अवेलेबल है इसके प्राइस में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके, और अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Vivo Y58 5G इंडिया में इक्विवेलेंट में अवेलेबल है 8GB 128GB, जिसकी प्राइस है 19,500 रुपीज। तो ये फोन मैं 3 दिन से यूज कर रहा हूँ और इस वीडियो में देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। Vivo Y58 रन कर रहा है Android 14 पर विथ फंटच OS 14। इसमें 2 major OS अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। प्राइस के हिसाब से फोन का UI स्मूथ है, एनिमेशंस अच्छे खासे स्मूथ है इसमें, स्क्रॉलिंग वगैरह में लैग नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसमें Vivo के फुल एनिमेशंस नहीं मिलते जो महंगे फोन्स में मिलते हैं। इसमें कुछ ब्लॉटर ऐप्स पहले से लोडेड है, जैसे कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, जिन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और इन दोनों ऐप से दिन भर बेकार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। यूजेबिलिटी की बात करेंगे तो UFS 2.2 की स्टोरेज और LPDDR4X रैम की वजह से ऐप को टच करने और ओपन होने के बीच डिले नहीं मिलता। रैम मैनेजमेंट में भी इश्यूज नहीं आते, जो ऐप्स मैंने पहले से बैकग्राउंड में ओपन रखा था वो वहीं से ओपन हो रहे हैं, तो डेली यूज में आपको इस फोन से परेशानी नहीं होगी। इसमें 6000mAh की बैटरी है और मुझे आराम से 1.25 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है इस फोन पर विथ नॉर्मल यूज लाइक फुल डे वाईफाई, व्हाट्सएप एंड ऑफलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ। और ये 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटा लगता है, जो कि डिसेंट है। डिजाइन की बात करेंगे तो वो इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है। फ्रंट पे आपको 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86.4%। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86.4% क्योंकि ओरल बेजल्स थोड़े ज्यादा है, स्पेशली नीचे चेन वाला। प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ग्लास दिया है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। साइड में है फ्लैट प्लास्टिक फ्रेम विद शाइनी फिनिश, जिस पर काफी फिंगरप्रिंट मार्क्स आते हैं। बैक में इस हिमालयन ब्लू कलर में स्पार्कल से माउंटेन जैसा इफेक्ट दिया गया है और शाइनी फिनिश है जिस पर फिंगरप्रिंट मजेस आते हैं। बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल काफी प्रीमियम लुक देता है इस फोन को। ये फोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, ये हिमालयन ब्लू और दूसरा सुंदरबंस ग्रीन। ये IP64 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। फोन में नीचे दिया है माइक, टाइप सी USB पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल। अपर साइड में है सेकेंडरी माइक, लेफ्ट में है सिम कार्ड स्लॉट। इस फोन में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है विद हाइब्रिड HD कार्ड स्लॉट विद सपोर्ट अप टू 1 TB। राइट साइड में है वॉल्यूम बटन्स और लॉक बटन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है। बैक में मिलता है ड्यूल कैमरा सेटअप विद डायनेमिक रिंग LED फ्लैश, जिसे म्यूजिक या रिंगटोन पर सिंक कर सकते हैं। फ्रंट में है पंचल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस जो स्पीकर का भी काम करता है, क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। फोन थोड़ा बड़ा है तो यूज करने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फ्लैट फ्रेम है बट एजेस कर्व्ड है तो हाथ में अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बाकी ग्रिप डिसेंट है। फोन पतला है एट 7.9mm और ज्यादा हैवी नहीं है एट 199 ग्राम्स, तो यूज करने में ज्यादा बल्की नहीं लगता। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम डिसेंट चलते हैं इसमें। फिल्टर्स वगैरह लोड होने में थोड़े से टाइम लेते हैं और हैवी फिल्टर्स थोड़ा फ्रेम ड्रॉप भी देते हैं। इंस्टाग्राम में स्क्रोलिंग स्वाइपिंग में स्मूथ रहता है क्योंकि इसमें 120Hz वाला डिस्प्ले दिया है। Vivo Y58 में दिया है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट विद एन ऑक्टोकोर प्रोसेसर एंड एड्रेनो 613 GPU। ये इक्विवेलेंट में अवेलेबल है 8GB 128GB और इसमें 8GB वर्चुअल रैम भी है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वैसे तो ठीक ठाक चिप है बट 14-15,000 के फोन में दिया जाता है। 19,500 के हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस लगता है क्योंकि इसमें अंटूरू स्कोर्स सिर्फ 4 लाख के आते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट पर थोड़ा कम है, बट CPU स्ट्रेस टेस्ट में ये थ्रॉटल नहीं करता क्योंकि चिप अच्छा खासा स्टेबल है। हाई एंड गेम्स ये चला लेता है मैक्सिमम सेटिंग्स पर, आपको कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। बैटनर्स मोबाइल इंडिया में स्मूथ और बैलेंस पर अल्ट्रा FPS और HD पर हाई FPS सपोर्ट करता है, जो कि डिसेंट है इस प्राइस में। बाकी जायरोस में डिसेंट काम करता है, ठीक ठाक फास्ट एंड एक्यूरेट है। तो मेरा गेम सेट है स्मूथ प्लस अल्ट्रा FPS पर और इसमें आपको गेमिंग का डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स डिसेंट है, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, बस दूर के ऑब्जेक्ट्स कभी कभार थोड़े से लोड होते हुए दिखते हैं। ये मोस्टली 34-35 FPS मेंटेन कर लेता है, बट अगर आपको सेम प्राइस में एक बेटर गेमिंग फोन चाहिए तो Realme 12 Plus ले सकते हैं, क्योंकि उसका Dimensity 7050 इसके Snapdragon 4 Generation 2 से पावरफुल है और काफ़ी बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि उसमें स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और बैलेंस से HDR तक अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है। इसमें 15 मिनट पबजी खेलने के बाद भी बैक पैनल सिर्फ थोड़ा सा ही वार्म होता है, तो थर्मल इंसुलेशन इसका अच्छा है। अब कैमरे की बात करेंगे तो इसमें आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। पहला है 50MP F1.8 एपर्चर कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और दूसरा है 2MP F2.4 एपर्चर डेप्थ सेंसर। स्टॉक कैमरा ऐप में कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो मोड, HDR, लाइव फिल्टर्स, ब्यूटी मोड और पैनोरामा।
आप 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं 30fps पर और 120fps का स्लो मोशन भी दिया है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल f2.0 एपर्चर सेल्फी कैमरा विच कैन शूट 1080p एट 30fps। सेल्फी कैमरा में भी आपको पोर्ट्रेट मोड, लाइव फिल्टर्स और ब्यूटी मोड मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। प्राइस के हिसाब से डे टाइम फोटोज इसमें अच्छे आते हैं, डिटेल्स अच्छे हैं, डिटेल्स शार्प है, कलर्स वाइब्रेंट और प्रॉपर है। ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है जब तक नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस होती है, लेकिन इसका HDR कभी कभार हिट एंड मिस है क्योंकि कभी फोरग्राउंड डार्क होता है तो कभी स्काई ओवर एक्सपोज हो जाता है। पोर्ट्रेट फोटोज सरप्राइजिंगली अच्छे हैं क्योंकि डिटेल्स शार्प है, स्किन टोन भी काफी हद तक मेंटेन करता है, बस एजेस में थोड़ा इशू आता है। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज डिसेंट आते हैं, कलर्स वाइब्रेंट है और लाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। लो लाइट परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है इसके प्राइस में क्योंकि लाइट्स को ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता, कलर्स प्रॉपर है और डार्क एरियाज में डिटेल्स काफी अच्छे से विजिबल है। सेल्फीज इंडोर या आउटडोर दोनों जगह सिर्फ डिसेंट है, स्किन टोन्स तो प्रॉपर है और कोई ज्यादा स्किन स्मूथिंग भी अप्लाई नहीं करता, लेकिन 8 मेगापिक्सल की वजह से डिटेल्स ज्यादा शार्प नहीं है। यह है वीवो Y58 का वीडियो सैंपल 1080p 30fps पर। कलर्स अच्छे खासे वाइब्रेंट और प्रॉपर है, स्टेबलाइजेशन भी इसका अच्छा है क्योंकि मैंने अल्ट्रा शेडी वीडियो ऑप्शन ऑन रखा है। डायनेमिक रेंज भी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है कैमरा घुमाने पर भी। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 30fps पर। कलर्स हल्के से थोड़े वॉश्ड आउट है फ्रंट में और HDR भी काम नहीं करता क्योंकि स्काई पूरा ओवर एक्सपोज्ड है। नाइट में वीडियो क्वालिटी इस प्राइस में अच्छी है क्योंकि कलर्स प्रॉपर है, वीडियो ब्राइट है और स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको लॉक बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो फास्ट एंड सिक्योर है। आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 1080 बट 2408 पिक्सल्स एंड 393 PPI डेंसिटी। डिस्प्ले ब्राइट है, कलर्स वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिसेंट है। व्यूइंग एंगल्स बस ठीक ठाक है, डिस्प्ले टिल्ट करने पर हल्का सा डल दिखता है साइड से। आउटडोर ब्राइटनेस इसकी अच्छी है प्राइस के हिसाब से, फोन आउटडोर में इजीली विजिबल रहता है इसके 1024 निट्स की पीक ब्राइटनेस की वजह से। तो अब करते हैं इसके स्पीकर का साउंड चेक। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ, तो साउंड चेक कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो स्टीरियो स्पीकर्स है इसलिए साउंड अच्छा खासा लाउड है, साउंड क्रिस्प एंड क्लियर है एंड फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता, तो कंटेंट वॉचिंग में फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है और मुझे मुंबई में नेटवर्क या स्पीड में कोई इशू नहीं आया। बाकी इसमें ब्लूटूथ 5.0 है जो थोड़ा ओल्ड हो चुका है और ड्यूल बैंड वाईफाई दिया है जिसका कवरेज अच्छा है। बाकी इसमें वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है तो नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम पर आप फुल HD वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। कैमरा टू API में लेवल 3 का सपोर्ट है तो GCam के मोड्स इसमें कंपेटेबल है विद मोस्ट फीचर्स। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ वीवो Y58 5G आफ्टर 3 डेज। डेली यूज, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, कैमरा सभी चीज़ें इस फोन में डिसेंट मिलती है, बस प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि 19-20,000 में Realme 12 Plus जैसे फोन्स अवेलेबल है जो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।